हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं गंदलों का साग बनाने जा रही हूँ, जिसे सरसों का साग भी कहते हैं। ये सीजनल होता है। ये जो आपको मोटी मोटी टहनियाँ दिख रही हैं, ये मोटी सी टहनी होती है, उनका छिलका उतार के डाला है मैंने। काट के धो के मैंने अच्छी तरह से इसको प्रेशर कुकर में 15 मिनट स्टीम दी है और ये अच्छी तरह गल गया। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी देसी रंग से, पंजाबी स्टाइल से गंदले बनाने जा रही हूँ। मकई का आटा डाला मैंने। सबसे पहले मैं इसको भून के रख लूंगी, बहुत ज्यादा फ्राई भूनना नहीं है, हल्की आंच पर। जब हल्की हल्की खुशबू आ जाएगी तो मैं इसको उतार दूंगी। मक्की के आटे को धीमी आंच में भून लिया मैंने, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है और ये तैयार है। गैस ऑन कर दिया है मैंने और कढ़ाई रखी है। इसे मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी। मस्टर्ड ऑयल में ज्यादा करारा बनता है। आप जो भी किसी तेल से बनाना चाहते हो, किसी किस्म का, तो बना सकते हो, लेकिन ज्यादा देसी तेल में बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं। तेल गर्म हो गया, सबसे पहले मैं अदरक डालूंगी। हल्का से इसको भून लेते, इससे थोड़ा सा कड़वापन होता ना, वो खत्म हो जाता है। अब मैं प्याज डालने जा रही हूँ। ये लहसुन मैंने 2 नॉर्मल प्याज लिए थे और 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 लहसुन की पूरी जो है, पूरा लहसुन कच्ची जाती है। प्याज को और ये लहसुन अदरक को हल्का ब्राउन करना है। ये देखिए हल्का ब्राउन हो गया। अब मैं सबसे पहले इसमें मीट मसाला डालूंगी, 1 चम्मच चाहिए मीट मसाला। और ये 2 टमाटर हैं दरमियाने साइज के। मैं तो अपने हिसाब से जितना चाहिए साग बना रही हूँ। पंजाब में तो आकर 10 किलो बना के वो रख लेते हैं, तो जब उनको चाहिए होता है गर्म करते हैं, घी मक्खन डाल के तो खाते हैं। मक्की की रोटी, तंदूर की रोटी के साथ, चाहे सादी रोटी के साथ खाएं, बड़ा ही मजा आता है। यही दो स्कीम होता है। ये 1 टीस्पून नमक है, आप अपने हिसाब से जैसा खाते हैं ऐसा डाल लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि टमाटर जल्दी गल जाए। तो देखिए टमाटर भी गल गए। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, ये 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून लाल मिर्च है।
अगर कम खाते हैं तो कम डालें उसमें, ज्यादा खाते तो ज्यादा। तो ये चार हरी मिर्चे हैं जो दो मैंने छोटी छोटी काटी है, दो बड़ी। अगर जिसको किसी को नहीं खाना तो वो निकाल सकते हैं हरी मिर्चे। ये सौंफ का पाउडर है आधा टीस्पून, और ये सूखा धनिया और जीरा मैंने इकट्ठा ही पीस लिया था, एक टीस्पून ये डाला मैंने इसमें। और एक टीस्पून गरम मसाला, और थोड़ा सा पानी। मसाला तैयार है। अब मैं इसमें ये साग डालूंगी, सरसों का साग। पानी सूखने में 10-15 मिनट लगेगा। इसको अच्छी तरह पका रहे हैं, और अब मैं इसकी जगह करछी लूंगी लकड़ की, ताकि इसको बाद में दबाना भी ऐसे से प्रेस भी करना है। ये इसको कश्मीर में डोई बोलते हैं, ये हैंडमेड करछी है लकड़ की, अखरोट के लकड़ की। गैस को मैंने धीमा किया है और ये ऊपर ढक्कन रखनी हो ताकि अच्छी तरह ये गल जाए धीमी आंच में। ये देखिए 10 मिनट रखा था मैंने, स्टीम से अच्छी तरह गल गया। अब इसको दबा दबा के गैस भी तेज करूंगी मैं। अब गैस मैंने तेज कर लिए, आप चाहो तो मैशर से भी कर सकते हो इसको, पर मैं इसे लकड़ की करछी से ही कर रही हूँ। अब मैं इसमें मकई के आटे को डालूंगी जो मैंने सबसे पहले भून के रख लिया था। मकई के आटे से क्या होता है, इसमें जो मिठास पैदा हो जाती है साग में हल्दी से, और जो इसका जो फ्लेवर में सरसों के आयल की खुशबू होती है, या खाने में भी लगता है जैसे सरसों का आयल है बड़ा, तो वो कम हो जाता है। मकई के आटे को डालो इसमें, और आटा डालने से क्या होता है इसमें हल्की सी मिठास आ जाती है। ये देखिए पक गया, तैयार हो गया है, देखिए तेल छूट रहा है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना पड़ता है, ये देखिए। चाहे आप बाद में देसी घी भी डाल सकते हैं, मक्खन भी डाल सकते हैं फ्राई और करना हो तो। ये देखिए तैयार है साग, आप जरूर बनाइए ये गंदलों का साग पंजाबी स्टाइल से। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।